मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री और झाबुआ के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद है। विश्वास जी, कांग्रेस का आरोप है कि जो आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से जो है हैंडओवर कर दी गई है, प्राइवेट जो है उसके हाथों में सौंप दी गई है, कितना सहमत है आप? नहीं, देखिए ऐसा कोई विषय नहीं है। झाबुआ में जरूर एक किसी संस्था को ये जिम्मेदारी दी गई थी, और जब मैं पिछली बार जिला योजना समिति में गया था तो मैंने ये निर्देश दिया था कि वो संस्था जल्द से जल्द आकर अपना पूरा काम संभाले। और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक कुछ काम शुरू हुआ है, पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे की स्वास्थ्य सेवाएं ठीक रहें। एक दिक्कत जरूर है कि सभी जगह डॉक्टर्स की कमी है, ये पूरे देश का मामला है। क्योंकि डॉक्टर्स कम हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, पर हमारी सरकार ही है जिसने नीचे तक जाकर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करने का काम किया है। कांग्रेस के राज में तो स्थिति बहुत बद से बदतर थी। अभी हम यदि ऑल इंडिया का स्थिति देखें तो डॉक्टर्स की कमी सभी जगह है, तो इस बात को है, पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो सके। झाबुआ एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कई जो मिशनरीज हैं वो भी काम करती हैं, धर्म परिवर्तन की शिकायत भी लगातार मिलती है, आप वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, आप किस तरह का आपका अनुभव रहा है? देखिए, सीधा सीधा मानना है कि ऐसे कोई भी विषय में जो न्याय संगत और जो संविधानिक व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई की जाती है और वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य के जरिए वहाँ पे धर्म परिवर्तन की कोशिशें की जाती रही है, वहाँ पे इस तरह के अक्सर आरोप भी लगते रहे? नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ संज्ञान में आएगी तो उसके विषय में जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत काम कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास सारंग जी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ पर सरकार गंभीर नजर आ रही है। हालांकि जहाँ तक आदिवासी क्षेत्र में मिशनरीज के वहाँ पर पनपने की और धर्म परिवर्तन की बात है, तो साफ तौर पर मंत्री जी का कहना है कि इस तरह के अगर प्रकरण सामने आते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा, और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।